नमस्कार मित्रों, आप सभी को आज यानी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे भारतवर्ष के लिए आज एक और ऐसा खास दिन है जो प्रकृति से ही जुड़ा है। आज के दिवस ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। पूरे देश में स्त्रियां आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने सौभाग्य की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए, हमारे धरती माता, पेड़ पौधों, वृक्षों, इन सभी के लिए कोई एक विशेष दिवस मनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आदिकाल से ही हमारे ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने जिन सनातन परंपराओं को हमारे जीवन में शिक्षाओं के रूप में हमें प्रदान किया है, वे सभी हमें पग पग पर प्रकृति रक्षण की शिक्षा देती हैं। हमारे धार्मिक अनुष्ठान, हमारे उत्सव पर्व, इन सभी को मनाने के पीछे कोई न कोई ऐसा कारण है जो प्रकृति की रक्षा करता है। हम वर्ष भर में 4 बार नवरात्रा मनाते हैं, 2 गुप्त नवरात्रा और 2 सभी जानते हैं महाउत्सव के रूप में, हम चैत्र शुक्ल पक्ष और आश्विन शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का, माँ दुर्गा का 9 दिवस का त्योहार मनाते हैं। इसके पीछे भी हमारी प्रकृति को शुद्ध करने की भावनाएं हैं। हम लोग इन 9 दिनों में जहां एक ओर व्रत और उपवास करके अपने शरीर की और मन की शुद्धि करते हैं, वहीं दूसरी ओर अष्टमी के दिन, ये 9 दिन का जो पर्व है, इसमें हर मंदिर, मठ और कई घरों में भी एक साथ यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अब सोचिए कि इतने बड़े स्तर पर एक साथ यज्ञ का आयोजन और उसमें हवन की जाने वाली सामग्री, ये सभी सामग्रियां हमारे पर्यावरण को कितना शुद्ध करती हैं, हमारी वायु को कितना शुद्ध करती हैं। इसी प्रकार से हमारे वैशाख और ज्येष्ठ मास में ये परंपरा है कि प्रातः जल्दी उठकर वट वृक्ष, पीपल वृक्ष की पूजा की जाए, उसे सींचा जाए ताकि व्यक्ति दीर्घायु हो और घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास हो। मित्रों, इसके पीछे कारण सीधा सा, और अब तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे जो परंपराएं हैं वे सभी प्रामाणित हैं, प्रकृति रक्षण के लिए है। इसे धर्म से जोड़ देने का एकमात्र कारण ये था कि व्यक्ति यदि पाप पुण्य और धर्म की बात सोचेगा तो वो इन परंपराओं का जीवन भर निर्वाह करेगा और इस प्रकार से प्रकृति रक्षण के साथ स्वयं अपना भी सुधार करता रहेगा, उद्धार करता रहेगा। तो मित्रों, वैशाख और ज्येष्ठ मास में जो वृक्षों का पूजन करना, उन्हें जल अर्पित करना, ये सब परंपरा बनी है, इसके पीछे एक ही कारण है, भीषण गर्मी। अंग्रेजी माह के हिसाब से अप्रैल से जुलाई के बीच में ये माह पड़ते हैं, जब धरती सूर्य के ताप से तप रही होती है। ऐसे समय में हम लोग यदि प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने वृक्षों को सींचते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, तो अपने हर सुबह को हम वृक्षों के साथ उनके सानिध्य में प्रारंभ करते हैं और प्राण वायु, ऑक्सीजन बदले में हम उनसे लेकर आते हैं, और यही हमारे दीर्घायु होने और हमारी सुख समृद्धि का राज है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वो हमेशा प्रसन्न भी रहेगा और उसके घर में हमेशा प्रसन्नता भी बनी रहेगी। तो हुआ ना वैज्ञानिक रूप से भी प्रामाणिक और हमारी इन परंपराओं में छिपा ये विज्ञान
हमें प्रकृति रक्षण के संदेश के साथ साथ हमारे अपने जीवन को भी उज्जवल बनाने का संदेश देता है। तो आज का दिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया है और आज हमारे भारतवर्ष में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत भी है, स्त्रियां जगह जगह वट वृक्ष की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल है, तो ऐसे में मैं इस दिवस केवल एक ही संदेश देना चाहती हूं कि हम सभी केवल किसी एक दिन को प्रकृति रक्षण के लिए ना माने, बल्कि अपनी हर सुबह आंखें खोलते ही हमारे मन का एक ही संकल्प हो, हमें प्रकृति रक्षण करना है। हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम इतना करें कि अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे वृक्ष जो भी दिखता है उसकी रक्षा का भार हम अपने ऊपर लें, उसके लिए विचार करते रहें। मित्रों, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा भी था कि प्रकृति हमें जितना देती है हम उसे उतना समझ भी नहीं पाते, ये सत्य भी है। पर पिछले कुछ समय से हमने अपनी परंपराओं को जाने अनजाने थोड़ा सा ही सही मगर भुलाने की कुछ अनजानी कोशिशें की है और हम आधुनिकता और भौतिकता के इस नई जीवन शैली में थोड़ा खो गए हैं और हमारा जो जीवन चक्र है वो कुछ उल्टी दिशा में चलने लगा है। पग पग पर हम प्रकृति को कष्ट पहुंचाने लगे हैं और उसी का परिणाम हमें कई प्रकार की आपदाओं के रूप में भुगतना भी पड़ता है। अभी लीजिए, कोरोना ने पूरे विश्व भर में महामारी मचा दी, त्राही त्राही मचा दी, परंतु एक बात विचारनी है मित्रों, हमारा देश, हम भारतवासियों का देश, हमारे भारत देश में जिस प्रकार से हम सभी ने पूर्ण सकारात्मकता के साथ कोरोना से युद्ध किया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जड़ों से हमारा जुड़ाव है। हम चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें पर हम प्रकृति से स्वयं को दूर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की दी हुई शिक्षाएं हमें फिर से प्रकृति के पास ले आती हैं। तो मित्रों, आज के दिन एक संकल्प लें कि हम सभी प्रकृति रक्षण को अपने जीवन का मूल मंत्र मानेंगे और केवल विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, हैप्पी एनवायरमेंटल डे, इतना बोल कर कहकर इतिश्री नहीं करेंगे, वरन एक दिन एक माह नहीं पूरा जीवन हम प्रकृति को समर्पित करेंगे। हमारी प्रकृति स्वस्थ है, सुंदर है, तभी हमारा जीवन सुंदर है। प्रकृति हमसे कुछ लेने की आस नहीं रखती है, प्रकृति केवल मात्र हमें देती है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी उस प्रकृति की रक्षा करें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, उसे दूषित ना होने दें, उसे प्रेम करें। तो आइए प्रकृति के करीब चलते हैं और प्रकृति रक्षण का वचन स्वयं को देकर आज का ये दिवस मनाते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम एक दिन नहीं पूरे वर्ष भर वृक्षों की, पेड़ पौधों की और इस प्रकृति ने जो पशु पक्षी जो कुछ भी बनाया है उस सब की रक्षा के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो कार्य हम करेंगे, पर हम प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाने वाला कार्य नहीं करेंगे। धन्यवाद।